नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, यूपी टेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो यूपी टेट में बहुत बड़े बदलाव किए गए, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और इसके साथ ही, अगर आप वास्तव में यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं या इंडिया के कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड कर लीजिए, फिर हमारे नाम को वहाँ पर सर्च कर लीजिए। इसके अलावा आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूपी टेट के अंदर बड़े बदलावों को, प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली है सरकार कुछ दिनों के अंदर। तो इसमें किस प्रकार के बदलाव किए गए, जैसा कि आपको पता है 150 नंबर का आपका पेपर होता है टेट का, जिसमें से आपको क्वालिफाई के लिए जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर लाने होते हैं, और अगर आप ओबीसी या एससी एसटी हैं तो आपको 80 प्लस में आपका हो जाता है। तो इसमें इस बार क्या बदलाव किए गए, आपके पेपर के अंदर 5 पोर्शन होते हैं, आपको पता होगा 5 पोर्शन में 30-30 नंबर के, प्रत्येक पोर्शन आपका 30-30 नंबर का होता है। तो इस बार इसमें बदलाव की ये तैयारी की जा रही है कि आपको प्रत्येक पार्ट के अंदर पास होना होगा। यानी अगर आप जो साइकोलो का पार्ट है, साइकोलॉजी का, उसके अंदर आपके 0 अंक आ रहे हैं या फिर 2-3 अंक आ रहे हैं, तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, टेट पास आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पार्ट के अंदर आपके मिनिमम अंक तय करने की सरकार तैयारी कर रही है कि प्रत्येक पार्ट के अंदर आप पास हों तभी आपको टीईटी में क्वालिफाई या पास समझा जाए। तो ये तैयारी इसमें की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में अहम बदलाव करने की तैयारी है। टीईटी का जिस तरह से नया खाका खींचा जा रहा है, उसे पार करना बीटीसी व अन्य अभ्यर्थियों के लिए आसान नहीं होगा। उसमें युवाओं को भले ही मौके ज़्यादा मिले, लेकिन परीक्षा का पैटर्न ऐसा होगा जिसे आसानी से उत्तीर्ण नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में अफसरों का मंथन पूरा हो गया, जल्द ही रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो जल्द ही ये लागू करने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तो इसमें आपको समझ गए होंगे कि आपके जो पेपर के अंदर है, 5 पार्ट होते हैं 30-30 नंबर के, प्रत्येक में आपको क्वालिफाई करना होगा। पहले क्या करते थे बच्चे कि जिसका एक पार्ट अच्छा था वो एक पार्ट उसी पर ज़्यादा ध्यान देता था, अपने कमज़ोर पक्ष को ध्यान में नहीं रखता था, लेकिन इस बार आपको प्रत्येक पार्ट के अंदर क्वालिफाई करना होगा, जिसके कारण ये आपके बदलाव की तैयारी है। तो जल्द ही इसके बारे में अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको सबसे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।